mzn vlogs. Subscribe my channel. हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आज के ब्लॉग के बारे में मैं सोच रहा हूँ कि आज कुछ गांव से काफ़ी दूर चल कर ही ब्लॉग शूट करूँ। तो मैंने अपने दो दोस्तों को ऑलरेडी कॉल करके बुला लिया है जो कि मेरी ब्लॉग शूट करने में थोड़ी हेल्प करेंगे। तो ये रहे मेरे दोनों दोस्त भाई भाई। इसको एक का नाम लक्की और इस भाई का नाम सौरभ। थोड़ा बताइए अपने बारे में। तो हम भाई का ब्लॉग शूट करवाने आए थे आज। तो भाई ये ब्लॉग शूट कराने के लिए थोड़ी हेल्प करेंगे जो कि हम यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा कैमरा मैनिंग ज़्यादा करूँगा। तो भाई थोड़ा आगे चलेंगे, मैं ज़्यादा ब्लॉग हम दोनों भाई दिखाई देंगे बस। तो इसलिए चलते हैं सीधा। तो चलते हैं आपको सीधा लेकर। दोस्तों, हम अपने गांव से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर आ चुके हैं और ये आप पीछे देख रहे हैं ये दूसरा गांव है जिसका नाम है फिरोजपुर। और आप पीछे की लोकेशन देख सकते हैं। और हम सीधा जा रहे हैं इस साइड जो कि प्राचीन सिद्ध मंदिर पर जाता है सीधा रास्ता। तो चलिए गाइस दिखाते हैं हम आपको। हाय गाइस, तुम प्राचीन सिद्ध मंदिर के तकरीबन 100 मीटर दूरी पर है और हम आ चुके हैं उसके करीब। और ये आप जो रास्ता देख रहे हैं सीधे नीचे की तरफ जाता है। और ये काफ़ी ढलानदार रास्ता है जिस पर चलना आसान होता है लेकिन यहाँ पर चढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आइए हम सीधा आपको लेकर चलते हैं प्राचीन शिव मंदिर की तरफ जो कि 100 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है ओनली। तकरीबन बहुत करीब पहुँच चुके हैं हम। आइएगा। तो दोस्तों, हम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। प्राचीन सिद्ध मंदिर है जो कि आप पीछे की तरफ देख सकते हैं कि जो रास्ता सीधा जा रहा है ये सीधा प्राचीन सिद्ध मंदिर की तरफ जाता है। और हमारे बड़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि ये मंदिर इंसानों के द्वारा नहीं बनाया गया। जो पहले कभी पुराने दानव लोग रहते थे उनके द्वारा ये मंदिर बनाया गया था। और आप देख सकते हैं, सीधा चलते हैं आपको उसकी लोकेशन की तरफ। गाइस, हम मंदिर के बिल्कुल करीब सीढ़ियों पर ही खड़े हैं। ये प्राचीन सिद्ध मंदिर है। तो आओ चलते हैं इसकी तरफ। तो गाइस, आप मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहे होंगे कि ये प्राचीन सिद्ध मंदिर है। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं सीधा यहाँ पर भी लिखा हुआ है प्राचीन सिद्ध श्री नीलकंठ महादेव मंदिर समिति फिरोजपुर। तो आइए चलते हैं आपको अंदर की तरफ लेकर। आप इस वक्त जो लोकेशन देख रहे हैं सीधा मंदिर के पीछे की तरफ जस्ट साइड से ज्वाइंट जुड़ा हुआ। और यह मंदिर के पीछे की तरफ है। यहाँ पर भी एक देवी धरी है और ये काफ़ी अच्छी। और ये भाई देखिए जो कि हमारी वीडियो शूट्स कर रहे थे, हर वीडियो का शॉट ही ले रहे थे। ये वीडियो में बहुत कम देखने को मिलेंगे क्योंकि हमारे कैमरा मैन है। और इधर आप देख सकते हैं साइड में हनुमान जी, और ये भी बने हुए काफ़ी प्राचीन से ही है, जो बहुत पुराने हैं, पुराने काफ़ी टाइम से। अभी इनको कपड़े से ढका हुआ है कि जब मतलब नीलकंठ जल चढ़ेगा, जब कवड़ चढ़ेगी तो अभी मंदिर पर कोई आ जा नहीं रहा है, क्योंकि अभी कोई फेस्टिवल वगैरह नहीं है कोई, इसलिए बहुत कम भीड़ देखने को मिली। लेकिन सावन के महीने में जब कावड़ चलती है, जब जल चढ़ता है, तो सभी कावड़ियाँ यहाँ पर दूर दूर से आती है जल चढ़ाने के लिए, आप देख सकते हैं। और ये पीछे जो आम का गार्डन यानी कि आम का बगीचा, ये जस्ट मंदिर से ही जुड़ा हुआ है। आइए चलते हैं, आपको और कुछ लोकेशन से विजिट कराते हैं। ये बाहर का जाने का रास्ता लेकिन अभी बंद है। और ये गुरु जी जिसको हम छू नहीं सकते अंदर, ये गुरु जी काफ़ी पुराने थे जो यहाँ पर रहा करते थे, लेकिन अब इनकी मूर्ति यहाँ पर बना दी गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से, लेकिन हम अंदर नहीं जा सकते। और ये पेड़ बरगद, ये भी काफी पुराना बरगद का पेड़ है। उनकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा। तो गाइस ये गुफा देखने में लग चुका है टाइम, तो मैंने बोल रहा हूँ अब चलते हैं। काफ़ी टाइम हो चुका है कि बहुत देर से हम ब्लॉग की शूट करने में लगे हुए हैं, तो हम बाहर की तरफ को आ लिए, पर अब हम आपको बाहर की लोकेशन दोबारा दिखाएंगे। तो हमने आपको इस मंदिर के बारे में काफ़ी चीज़ों से विजिट कराया, और हम अपने गांव से तकरीबन चलकर 5 किलोमीटर दूर इस मंदिर के पास आपको विजिट कराने के लिए लेकर आए। तो आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।